Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या वो आपकी जिंदगी में दोबारा आना चाहते हैं. लेट्स सी दैट. पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास ये दो कैंडल्स हैं. कैंडल्स को चूज करने से पहले आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए. मैं कैंडल्स को चार्ज कर लेती हूँ. आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए ताकि पाइल सिलेक्शन में आपको आसानी हो. सो अब अपनी आईज खोलिए. दोनों कैंडल्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज बंद कर लीजिए. आंखें बंद करके जो भी कैंडल आपको नजर आती है आप उस पाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं. ग्रीन कलर की कैंडल इज पाइल नंबर 1 और येलो कलर की कैंडल इज पाइल नंबर 2. तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है. क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? लेट्स सी दैट. क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? ओके. आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनल है. यहां पर जो मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइंस समझ आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड बहुत कम यहां पर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है. बहुत कम में. ओके. सो आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनल है. अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जीज में है. पश्चाताप बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है. पश्चाताप तो वो करना चाहते हैं. आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन उनके लिए बर्डन बनी हुई है. वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं. उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत परेशान हैं. आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आज अगर वो इस रिश्ते को निभाना चाहते भी हैं तो हालात ऐसा होने नहीं देंगे. आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, रातों को जागते हैं. वो ये जो आपका नो कम्युनिकेशन जोन है उसे खत्म करना चाहते हैं. पेन में है, दर्द बहुत है. जिंदगी एक बोझ बन गई है उनके लिए. आप दोनों के बीच में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये दो मुंहे सांप की तरह है और इस थर्ड पार्टी का डबल फेसर जो एटीट्यूड है, जो करैक्टर है वो आपके पार्टनर को समझ आ रहा है. आपके पार्टनर चाहकर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन को उन्होंने अपनी जिंदगी बनाया, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने एंटर किया उससे उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली है. आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इमोशनल टर्मोइल में हैं. खुद से ही सवाल हैं उनके, खुद से ही जवाब हैं उनके. पेन है. आपके पार्टनर की हेल्थ भी ठीक नहीं है.
उनके पास बहुत सारी बातें हैं आपसे कहने के लिए, आपसे करने के लिए, लेकिन कोई एक्शन वो नहीं ले पाएंगे। वो आपके साथ एक खूबसूरत रिश्ता निभाना चाहते हैं, वो आपके साथ एक अबंडेंस की एनर्जी में एंटर करना चाहते हैं। वो पहले से भी ज्यादा इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में डेफिनेटली वो आना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो कोई एक्शन लेते हैं तो आप दोनों की रिलेशनशिप पर इस थर्ड पार्टी के काले बादल मंडराने लगते हैं और आपके पार्टनर जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद करते हैं उस तरह का रिजल्ट भी उन्हें नहीं मिल पाता है। आपके पार्टनर के एक्शन वो लहरें हैं समुंदर की जो तट को छूकर वापस आ जाती हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को लेकर कुछ एनलाइटनमेंट तो है, उन्हें अपने एक्शंस को लेकर भी कुछ एनलाइटनमेंट तो डेफिनेटली हुई है। आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उन्हें कभी इस बात का इल्म भी नहीं था कि जिंदगी इतनी कठोर हो सकती है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरे तरीके से ट्रैप्ड हैं। सब कुछ समझने के बाद भी वो अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर 100% आपके साथ रिलेशनशिप में, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। रातों को वो यही सपना लेकर सोते हैं कि कल का दिन ऐसा होगा जब वो आपके और आप दोनों के बीच के इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन मॉर्निंग फिर इसी थर्ड पार्टी के साथ होती है और सिचुएशन और गहरी होती जा रही है। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं बट उनकी एनर्जीज बहुत ही लो स्केल पर नजर आ रही हैं, बहुत ही बेबस एनर्जीज, यहां पर मैं कहूं तो इस तरह की एनर्जीज हैं। उन्हें इस रिश्ते को इस तरह से खत्म होता देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी से चले जाएं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, यूनियन चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी एनर्जी का जो इफेक्ट है वो आपकी लाइफ पर भी पड़ रहा है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के थ्रू कुछ एनर्जी डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। आपके पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में बांध कर रखा जा रहा है। डार्क एनर्जी इफेक्ट भी यहाँ पर नजर आ रहा है, ब्लैक एनर्जी इफेक्ट है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतना सब कुछ पॉजिटिव इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। उनके पास बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, बहुत कुछ बताना चाहते हैं वो आपको, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई स्टेप लेते हुए आपके पार्टनर नजर नहीं आ रहे हैं। और जो भी वो स्टेप लेते हैं उस एक्शन को नाकामयाब ये थर्ड पार्टी बना रही है। आप ये मत सोचिए आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। गलती उन्होंने पास्ट में की है, जिस गलती का जो दुष्परिणाम है वो खुद ब खुद भुगत रहे हैं। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं बट वो क्या करें ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे
तो आप ये बात गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर एक दर्द भरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज ट्रैप्ड हैं, आपके पार्टनर डार्क एनर्जी का शिकार हो गए हैं। आपको अगर इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने जज्बातों को आपके सामने बयां करें, तो आपको आपके पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में हील करने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है कि इतनी चाहत होने के बावजूद कोई इंसान अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी मजबूरी कितनी है, वो किस दर्द में है, इस बात को समझना, इस दर्द को समझ पाना आप के लिए आपकी जरूरत बन जाता है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। अपने पार्टनर की एक रीडिंग लीजिए ताकि आप उनकी ब्लॉकेजेस को समझ पाए एंड अकॉर्डिंगली उन्हें इस डार्क एनर्जी से बाहर निकाल पाए। और ये डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर नहीं हो रहा है, इसका इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में भी हो रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ डार्क एनर्जी आपकी तरफ भी डायरेक्ट की जा रही है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खो रही है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, 100% आना चाहते हैं, बट वो आ नहीं पाएंगे। वो अपने आप से कोई भी फर्म डिसीजन बना नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर आपसे इतनी मोहब्बत करने के बावजूद ये सोच रहे हैं कि अब वो आपके साथ अपने इस रिश्ते को जी नहीं पाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है। सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपको अपने पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में हील करने की जरूरत है, उनकी ब्लॉकेज को समझने की जरूरत है। सो अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालती हूं मैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोल आपसे एक्चुअली क्या कहना चाहती है, लेट्स सी दैट। तो पहला मैसेज आपके लिए, The second message is this one. The third message for you is this one. The fourth message for you is this one. The fifth message will be, I'll take a red one. Okay, this one. Okay, तो देखते हैं आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। तुमसे दूर होने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो ये डिसीजन बनाया कि वो आपसे दूर हो जाएं, ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूं, आई मिस यू। आपके पार्टनर यूं अकेले रहकर थक चुके हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, ये चीज आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। मैं अकेलेपन से घिरा हुआ हूं, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आपके पार्टनर आपसे हेल्प की उम्मीद करते हैं, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। ये डायरेक्टली एक मैसेज उनकी तरफ से निकल कर आया है। आजकल रातों में नींद भी नहीं आती है, आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर आपको रातों को मिस करते हैं, वही मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। आपके पार्टनर रातों को आपको बहुत मिस करते हैं, पहले तो उन्हें नींद ही नहीं आती है, जब वो सो जाते हैं तो सपने भी आप ही के देखते हैं। आई प्रोमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। आपके पार्टनर आपसे प्रोमिस कर रहे हैं कि एक मौका आप उन्हें दें, एक बार आप उनकी मदद करें, वो आपके विश्वास को दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये येलो कैंडल चूज की है, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? लेट्स सी दैट। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। सो नाउ लेट्स सी क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। चीजें स्लो हैं। स्लो का रीजन ये नहीं है कि कुछ मेजर ब्लॉकेजेस हैं। स्लो का रीजन आपके पार्टनर की अपनी सोच है। आपके पार्टनर एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि किस तरह से वो आपको फेस करेंगे, किस तरह से वो आपका यकीन जीतेंगे। आपके पार्टनर के लिए आप उनकी जिंदगी का वो नयाब तोहफा हैं जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, बट वो उस लायक नहीं थे कि वो इस तोहफे को संभाल पाए। और अब आपके पार्टनर अपने आप को आपके लायक बना रहे हैं। आपके पार्टनर आपके ऑरा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपकी वाइब से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं और वो आपके सामने इस तरह से आएंगे जिस तरह के आप खुद हैं। उस तरह की एनर्जी में वो अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को आपके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बिना आपके टच में रहे भी आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। अब वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। उन्होंने अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ कर ली है और यूनिवर्सल फोर्सेस आपके पार्टनर की मदद कर रही हैं, और इन यूनिवर्सल फोर्सेस की वजह से मैं ये बात कह सकती हूं कि आपने अपने पार्टनर को इतना ज्यादा बदलाव में आने के लिए मदद की है। आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी अभी ही रिवाइव हुई हैं और वो समझ पा रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में कुछ गलत कर रहे थे। आपने अपने पार्टनर को हील किया है तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए है। यहां पर मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है। आपने अगर एनर्जी वाइब्स चक्रास की फॉर्म में उनको हील किया है तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए है।
आपके पार्टनर इमोशनल हैं आपको लेकर, लेकिन अभी वो शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा काम आपको हर्ट करके किया है। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं, वो अपने एक नए साइकिल को, नई जर्नी को आपके साथ बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में पैशन और प्लेजर के साथ जीना चाहते हैं। आपके साथ अपने हर एक खुशियां बांटना चाहते हैं, अपने हर गम आपको बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये डर है कि शायद आप उन्हें मना कर देंगे, शायद आपने अपनी जिंदगी में मूव ऑन ना कर लिया हो। इस बात से कहीं ना कहीं वो डरते हैं, इसलिए अपने जज्बातों को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, बट वो अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वो बहुत जल्द आपके साथ कम्युनिकेशन में भी आएंगे, और अगर आज वो आपके साथ कम्युनिकेशन में हैं और अपने दिल की बातों को खुलकर बयां नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्द वो इन बातों को भी आपके सामने रखने वाले हैं। यहां पर जो मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइंस नजर आ रहे हैं, वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, और बहुत कम यहां पर फायर साइंस हैं, लियो, एरीज, सजिटेरियस। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को आपके साथ एम्ब्रेस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की जो पॉजिटिविटी है वो आपके साथ जीना चाहते हैं, उस पॉजिटिविटी के साथ वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो उसे दोबारा कभी रिपीट नहीं होने देंगे, इस बात की वो श्योरिटी आपको देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जो ये एक तूफान आया हुआ है, ये अब थम गया है, और इस चीज की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपको भी मिलती है। आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, और आपके इतने सब्र और अच्छे कर्म का नतीजा ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत खूबसूरती से बदली है और निरंतर हर दिन के साथ बदल रही है। आपके पार्टनर एक फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। जो उन्होंने किया है आप उसे भूल जाएं, उनकी बहुत बड़ी गलती हुई है जिंदगी में, अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, और वो अब आपके जीवन में वापस आने वाले हैं। अब आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपके पार्टनर तो यहाँ आपके पास वापस आते हुए बहुत कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। वो आपसे माफी भी मांगने वाले हैं, ये सिर्फ एक्शन से नहीं, वो मुंह से कहकर आपसे माफी मांगेंगे। वो शर्मिंदगी महसूस जो कर रहे हैं वो आपके सामने उस चीज को एक्सप्रेस भी करने वाले हैं। उनके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर एक नया जज्बा पैदा हुआ है, और ये सब आपने किया है। अब वो अपनी एनर्जीज में है, और जब आज वो अपनी एनर्जीज में है तो डेफिनेटली वो आपसे खफा नहीं है, आपसे भी यही उम्मीद करेंगे वो कि आप उनसे खफा ना हो। आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में रंग भरना चाहते हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था, अब वो आपकी जिंदगी में रंग भरना चाहते हैं। और यहां सिर्फ चाहत नहीं है, उसके लिए एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं।
वो अपने लेवल पर डेफिनेटली हर बढ़ते दिन के साथ कोई एक्शन ले रहे हैं जिससे कि उनकी एनर्जीज इंप्रूव हो रही हैं। वो इस रिलेशनशिप में आपको मान सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको सोशली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जीज भी यहां पर बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर जब अब आपके सामने आने वाले हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी होंगे उस पर्सनालिटी से जिसे आपने लास्ट टाइम देखा था या जिससे आपने लास्ट टाइम बात की थी। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही सकारात्मक बदलाव है और वो आपकी जिंदगी को भी बहुत ज्यादा सकारात्मक बनाने वाले हैं। उनकी जिंदगी का अब एक ही मोटिव है कि वो इस रिश्ते को एक नाम दें और इस रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट करें। यहां पर कोई मेजर ब्लॉकेजेस नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सभी ब्लॉकेजेस को अपने पार्टनर के लिए हील किया है। एनर्जी की टर्म्स में भी आपके पार्टनर काफी हाई एनर्जीज में नजर आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और वो अब आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। 100% आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपको क्या कहना चाहती है, लेट्स सी दैट। आपकी पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए, लेट्स सी। तो पहला मैसेज आपके लिए ये है, द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज दिस, द थर्ड मैसेज फॉर यू इज दिस, द फोर्थ मैसेज फॉर यू is this, the fifth message for you is this one. Okay, तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ये दूरी जो आप दोनों के बीच में हैं ये उनसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने आपसे वैसे ही कहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बहुत झूठ बोले हैं तुमसे पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, अब वो आपसे कोई झूठ नहीं कहना चाहते हैं। आप उनकी जिंदगी की प्रायोरिटी हैं, ये वो मानते हैं और आपको भी यही वह कहने वाले हैं। तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ठुकराया है, इसलिए ही मैं दर्द में हूं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उन्होंने चूज नहीं किया, इसलिए उनकी किस्मत उनसे नाराज हो गई है, इसीलिए वो ये दर्द को गो थ्रू कर रहे हैं। दिखावे में बहक गया था मैं, बट अब समझ गया हूं कि प्यार के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। आपके पार्टनर मान रहे हैं कि वो टेम्पटेशंस में आ गए थे, वो दिखावे में आ गए थे, वो इल्यूजन में आ गए थे, लेकिन अब वह समझ गए हैं कि जिंदगी के अंदर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई है उनके लिए, जिंदगी एक पजल हो गई है, वो उस पजल को सॉल्व कर रहे हैं और वह कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपने इस पजल को सॉल्व करने में उनकी मदद की है। सो जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है। तो आई होप जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।